अभी जैसे कि सिग्मा गेम पर न्यू अपडेट आने वाला है 2.0.0 का, तो गाइस 17 दिसंबर को ये अपडेट आने वाला है। तो गाइस जो भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगा तो गाइस उसको आप कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, और गाइस जो सिग्मा गेम है उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा, जैसे कि एडवांस में आपको बता रहा हूँ। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 17 दिसंबर को यहाँ पर सिग्मा गेम पर अपडेट आने वाला है, जैसे कि 2.0.0 का अपडेट होने वाला है। और गाइस आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो, और गाइस जो भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम है उसको आप कैसे फिक्स आउट कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना। तो गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपना प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सेटिंग पर जाना होगा, आपको प्ले स्टोर को क्लियर डाटा क्लियर कैचेस करना होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना सेटिंग पर चला जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह। आप यहाँ पर ऐप सर्च कर सकते हो, नहीं तो गाइस यहाँ से आप बैक करके कुछ इस तरह यहाँ पर आपको ऐप्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को ऐप्स मिल चुका है, इसके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर आ चुका है नीचे की तरफ। तो गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरेज दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा क्लियर कैचेस, तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस कर देना है। कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है, और गाइस आपको एक तगड़ा वीपीएन को डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देखा देता हूँ वीपीएन कुछ इस तरह आपको सर्च करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी सारा वीपीएन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको ये क्विक वीपीएन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं अपना क्विक वीपीएन को ओपन कर देता हूँ, वीपीएन कुछ सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सिंगापुर को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इस एरे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ये कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और गाइस वीपीएन कनेक्ट होने के बाद फिर से गाइस अपना फ़ोन का सेटिंग पर चले जाना। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस, और गाइस आपका फ़ोन पर प्राइवेट डीएनएस नहीं है। तो गाइस आप वीपीएन को जैसे कनेक्ट कर लिया हो जाएगा, जैसे कि आपका फ़ोन पर वीपीएन इंस्टॉल कर लिया फिर भी गाइस आपका फ़ोन पर प्राइवेट डीएनएस है, तो गाइस ये सेटिंग जरूर करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेट डीएनएस का कुछ इस तरह स्पेलिंग होता है, यहाँ पर आप देख साफ साफ इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेट डीएनएस ऑन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, आपका ऑफ हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आपको प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर हाउस नेम इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, और गाइस DNS.google यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। तो गाइस आपको भी कुछ इस तरह लिख के इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना प्ले स्टोर में चले आना है। जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे सबसे ऊपर यहाँ पर आप प्रोफाइल शो हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो मैनेज एप्स एंड डिवाइस, यहाँ पर आप देख सबसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट अवेलेबल, इसके ऊपर क्लिक करना। तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि अपडेट दिखाई देगा, जैसे कि सिग्मा गेम का आपको अपडेट यहाँ पर दिखाई देगा, और गाइस यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो कुछ इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, तब तक के लिए बाय।